Hello friends, welcome to Gates Measure. The topic is indexing. Indexing जो है गेट के यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंटरव्यूज में. जहाँ पे भी कंपनी इंटरव्यू लेने के लिए आ रही है और अगर वो डेटाबेस में से क्वेश्चन पूछते हैं तो इंडेक्सिंग जो है, इंडेक्सिंग हैशिंग टॉपिक जो है वो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है. लेकिन यहाँ पे इंडेक्सिंग काम कैसे करती है, होती क्या है, क्या यूज़ है, वो तो बाद की बात है. हम बहुत ही बेसिक आर्किटेक्चर से, बहुत ही वेरी बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस टॉपिक को कि वाई द इंडेक्सिंग इज एक्चुअली यूज्ड. और उससे भी पहले हम आर्किटेक्चर की हम किस सिनेरियो में बात कर रहे हैं. सबसे पहले तो मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ सिनेरियो क्लियर कर रहा हूँ कि एक्चुअल में सिनेरियो होता क्या है, कहाँ पे इंडेक्सिंग एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है. तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को. यहाँ पे मेरे पास आर्किटेक्चर में जो एक जनरल आर्किटेक्चर हम मान के चलते हैं हमारे लैपटॉप में, हमारे कंप्यूटर में, हमारे डिवाइसेस में, कि हमारे पास सीपीयू है. सीपीयू जो क्या है, प्रोसेसर, जिसको हम प्रोसेसर बोलते हैं, जिसने क्या करना है, प्रोसेस करना है. सीपीयू के पास क्या आती है, क्वेरी आती है. क्योंकि हम डेटाबेस की टर्म में बात करते हैं तो हम डेटाबेस में हम क्या बोलते हैं, क्वेरी. मतलब क्वेश्चन आ रहा है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल दिस, find the name of the student whose age is this, find the detail of the student whose roll number is this. इस तरीके से बहुत सारी अलग अलग queries आती हैं और उन queries को कौन handle करता है, कौन process करता है, CPU. अब अगर एक query आ रही है, एक simple सी query लिख रहा हूँ, select star from student table where roll number is equal to 1. बहुत ही बेसिक क्वेरी लिखी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1. मतलब स्टूडेंट टेबल में से रोल नंबर 1 की डिटेल निकाल लो. मतलब उसका नेम, फादर नेम, मदर नेम, एज, जेंडर, मार्क्स, जो भी डेटाबेस में उसकी लाइन है, जो रिकॉर्ड है, उस पूरे रिकॉर्ड को निकालो. अब ये क्वेरी किसने देनी है, किसने एग्जीक्यूट करनी है, सीपीयू ने. लेकिन क्या डेटा जो स्टूडेंट टेबल सीपीयू के पास है, नहीं. डेटा तो कहां सेव करते हैं, मेमोरी में. और मेमोरी हमारे पास बहुत टाइप की मेमोरी होती है, लेकिन जनरल आर्किटेक्चर में हम मान के चलते हैं हम दो मेमोरीज को यूज करते हैं, एक तो रैम को और एक सेकेंडरी मेमोरी को. रैम वॉलेटाइल, मतलब रैम जो है वो सीपीयू के साथ डायरेक्टली काम करती है, बिकॉज सीपीयू की स्पीड जो होती है वो जनरली मिप्स में होती है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. और हार्ड डिस्क जो है वो बहुत ही स्लो है एज कंपेयर टू CPU, क्योंकि जो CPU की स्पीड है और हार्ड डिस्क की स्पीड है वो आपस में कंपेटेबल नहीं है. तो जो डेटा पड़ा है वो कहाँ पड़ा है, हार्ड डिस्क में पड़ा है. क्यों? क्योंकि हम डेटा को परमानेंट स्टोर करना चाहते हैं, हम डेटा को टेम्परेरी स्टोर नहीं करना चाहते. अगर सारा का सारा स्टूडेंट टेबल रैम में पड़ा होगा, आपने सिस्टम को ऑफ किया, शट डाउन किया, टेबल गया, डेटा गया. तो डेटा को कहाँ रखो, हमेशा हार्ड डिस्क में हम सेव करते हैं परमानेंट. तो डेटा यहां पर है, सीपीयू ये रहा. तो सीपीयू जब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा तो क्या सीपीयू हार्ड डिस्क के इंटरेक्ट करेगा, नहीं करेगा, बिकॉज सीपीयू की स्पीड है मिप्स में और हार्ड डिस्क की स्पीड बहुत ही स्लो है. ये मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड है, वो 10-20 इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड है. और जनरली अगर हम देखें तो इसकी जो स्पीड है हम जनरली मिली सेकेंड्स में काउंट करते हैं, मिली सेकेंड्स में. और सीपीयू की स्पीड जो है वो नैनो सेकेंड्स में या पीको सेकेंड्स में काम करता है. तो इनकी स्पीड आपस में कंपेटेबल नहीं है. तो डेटा जो हमारा यहाँ पर है इस तरीके से, जैसे रोल नंबर 1 है, नेम ए, फादर नेम समथिंग, एज, जेंडर मेल, इस तरीके से मेरे पास कुछ बहुत सारा डेटा जो है वो रिकॉर्ड्स इस तरीके से पड़े हैं. और रिकॉर्ड्स को हम जनरली रखते कैसे हैं, पहले तो आप हार्ड डिस्क को देख लो. हार्ड डिस्क में जो भी हमारे पास मेमोरी हम यूज करते हैं, हम हार्ड डिस्क को ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, लॉजिकल ब्लॉक्स में, फिजिकल ब्लॉक्स में नहीं. आप अपने लैपटॉप में भी सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, अलग अलग ड्राइव्स बनाते हैं, वो क्या है, लॉजिकल ड्राइव्स हैं, ताकि आप डेटा को मैनेज कर सको. लेकिन बैकएंड पे स्टोरेज मैनेजर भी क्या करता है, पूरी की पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी हार्ड ड्राइव को ब्लॉक्स में, फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स में डिवाइड करता है और फिर डेटा को इंसर्ट करता है. जो रिकॉर्ड्स हैं वो इस तरीके से इंसर्ट होंगे. अब यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड क्या करना है कि डेटा पड़ा है यहाँ, सीपीयू है यहाँ, तो सीपीयू डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता. सीपीयू किसको बोलेगा, रैम को, कि मेरे को डेटा चाहिए. रैम कहाँ से कॉल करेगी डेटा, सेकेंडरी
मेमोरी से, सेकेंडरी मेमोरी से. यहाँ पे हमारे पास क्या बने हुए, ब्लॉक्स भी बोल सकते हो आप, पेजेस भी बोल सकते हो. ऑपरेटिंग सिस्टम की टर्म में हम इनको ब्लॉक्स की बजाय पेजेस बोलते हैं, कि सेकेंडरी मेमोरी को हमने पेजेस में डिवाइड कर दिया. हम एक जनरल आर्किटेक्चर मान के चल रहे हैं, तो आप इसको ब्लॉक बोल रहे हो या पेज. ब्लॉक मतलब एक फिक्स्ड साइज का बॉक्स है, बॉक्सेस है, और कलेक्शन ऑफ बॉक्सेस को आप क्या बोल रहे हो, हार्ड डिस्क बोल रहे हो. और उन ब्लॉक्स में क्या डाला, रिकॉर्ड्स डाल दिए, रिकॉर्ड्स डाल दिए. अगर एक जनरल सा एग्जांपल देखें हम, अगर मेरे पास 10,000 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, 10,000 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, जो मेरे को मतलब स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल में 10,000 एंट्रीज हैं, 10,000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा है, और अगर मेरे पास एक ब्लॉक का साइज, मतलब एक ब्लॉक 100 रिकॉर्ड्स को स्टोर कर सकता है, अगर ये गिवन है, 10,000 ब्लॉक्स हैं और एक ब्लॉक का साइज है 100 रिकॉर्ड्स, मतलब एक ब्लॉक 100 रिकॉर्ड्स को स्टोर कर सकता है, तो कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स रिक्वायर्ड कैसे निकालोगे, सिंपल 10,000 डिवाइड बाय 100, तो ये क्या है आपका 100, मतलब आपको 100 ब्लॉक्स चाहिए, आपको 100 ब्लॉक्स चाहिए इस सारे डेटा को स्टोर करने के लिए. और यहाँ पे हमारे पास सीपीयू, ये रैम और ये हार्ड डिस्क. अब देखो, अब काम होता कैसे है, अगर सीपीयू ने स्टूडेंट डिटेल को ढूंढा, स्टूडेंट टेबल में से रोल नंबर 1 को ढूंढा, अब डेटा भी हो सकता है दो तरीके से इंसर्ट हो, सॉर्टेड या अनसॉर्टेड, मतलब ऑर्डर्ड हो सकता है या अनऑर्डर्ड हो सकता है. तो डेटा को कॉल कैसे करते हैं, अगर मैं मान के चलता हूं कि डेटा मेरा नॉन ऑर्डर्ड है, नॉन ऑर्डर्ड मतलब कोई ऑर्डर नहीं है, जैसे रोल नंबर 1, 10, 20, 100, 200, 300, 500, 600 इस तरीके से कुछ डेटा पड़ा है. तो इस डेटा को जब हम कॉल करते हैं तो कैसे काम होता है, सबसे पहले एक ब्लॉक, पूरा का पूरा एक ब्लॉक जो है वो कहां आएगा, रैम के अंदर आएगा, मतलब ये पूरा ब्लॉक रैम के अंदर आएगा, उसमें सर्चिंग होगी, अगर आंसर मिल गया तो गुड, अगर आंसर नहीं मिला तो मिस, मतलब हिट या मिस, और उस ब्लॉक को हम वापस भेज देंगे, फिर दूसरे ब्लॉक को कॉल करेंगे वापस, फिर तीसरे ब्लॉक को कॉल करेंगे वापस, फिर चौथे ब्लॉक को कॉल करेंगे वापस. इस तरीके से हम ब्लॉक्स को रैम के अंदर कॉल करवाते हैं, सर्च करते हैं, अगर मिल गया तो हिट, अगर नहीं मिला तो मिस, तो वापस. तो यहां पे इंडेक्सिंग जो है वो यूज होती है, हम इस सर्चिंग टाइम को रिड्यूस नहीं कर रहे, मतलब एक ब्लॉक के अंदर जो टाइम लग रहा है, एक ब्लॉक के अंदर जो सर्च करने का टाइम लग रहा है, इंडेक्सिंग उसको कम नहीं करती. इंडेक्सिंग क्या करती है एक्चुअल में, जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स आप कॉल कर रहे हो, इनको बोलते हैं हम इनपुट आउटपुट, आईओ कॉस्ट. ऑब्वियसली आईओ कॉस्ट है, आप डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो, हार्ड डिस्क से रैम में डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो. अब यहाँ पे ट्रांसफर की ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी, वहां पे मेरे पास प्रोपेगेशन टाइम भी है, ट्रांसमिशन टाइम है. ये डेटा को आप कॉल कर रहे हो, इसको बोलते हैं हम आयो कॉस्ट. तो आप जितने ज्यादा ब्लॉक्स को कॉल करोगे, आयो कॉस्ट ज्यादा होगी, आयो कॉस्ट ज्यादा हुई तो टाइम उतना ही मेरा बढ़ता जाएगा. तो हमें एक्चुअल में क्या लेके आना है, हमें एक ऐसा मेथड लेके आना है कि मेरे को नंबर ऑफ ब्लॉक्स कम से कम लाने पड़े, ये है मेन मोटिव. तो अगर आप, मैं एक बुक का एक एग्जांपल दूं, अगर मेरे पास एक बुक है, डीबीएमएस की बुक है, लेट्स से नवाथे, उस नवाथे बुक में अगर 1,000 पेज है, आपको अगर कोई टॉपिक सर्च करना है, लेट्स से इंडेक्सिंग ही सर्च करना है, कैसे सर्च करोगे, अगर वहां पे कोई इंडेक्स नहीं बना हुआ, आप एक एक पेज को आगे पीछे करोगे और फिर सर्च करोगे, तो कितने पेज सर्च करने पड़ेंगे, वर्स्ट केस में हो सकता है आपको पूरे 1,000 पेजेस को सर्च करना पड़े, और बेस्ट केस में हो सकता है पहले ही पेज पे आपको डेटा मिल गया. तो यानी ऑन एन एवरेज आप कह सकते हो 500, बिकॉज एवरेज केस अगर मैं लगा के चलूं तो 500 पेजेस को आपको चेक करना पड़ेगा. लेकिन अगर आप इंडेक्स को यूज करते हो, इंडेक्स को अगर आप यूज करते हो, तो आपके नंबर ऑफ पेजेस जो आप शफल कर रहे हो ना, वो कम हो जाएंगे. क्यों, इंडेक्स कितने पेजों का होता है, 5 या 7 पेजों का. पहले आप इंडेक्स में टॉपिक देख लो, उस टॉपिक से आप उस पेज पे पहुंच जाओ, उस पेज पे आप सीधा डेटा को सर्च कर लो. तो इस वीडियो में मैं सिर्फ एक आपको ये बताना है कि इंडेक्सिंग एक्चुअल में क्या करता है, इंडेक्सिंग नंबर ऑफ ब्लॉक्स को जो हम कॉल कर रहे हैं उनको कम करता है. तो आईओ कॉस्ट इज रिड्यूस्ड
IO cost is reduced by indexing. This is the advantage of actual में indexing. So indexing काम कैसे करता है, होता क्या है, ये हम further video में देखेंगे. यहाँ पे आप सिर्फ indexing के बारे में introduction, बहुत ही एक basic architecture के बारे में मैंने बताया. Thank you.